अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश हुसैन और हम आज इस सीरीज़ का ऑलमोस्ट लास्ट कह सकते हैं लास्ट। इसके बाद हम लोग एक और लेक्चर कर लेंगे जिसमें हम लोग डेटाबेस से कनेक्टिविटी कहेंगे, तो उसको हम लोग लर्न करने वाले हैं, विच इज़ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो फाइल को कैसे हैंडल करना है पाइथन में, मीन्स फाइल में डेटा कैसे पुट करना है किसी फाइल में, और कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उस फाइल से कैसे डेटा हमको रीड करना है पाइथन प्रोग्राम में, इसमें हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं इट्स अ फाइल हैंडलिंग प्रोसेस। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सिंपल है, पाइथन में फाइल हैंडलिंग बहुत सिंपल है। कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए वो क्या सकता है इसमें 32.py। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देखिए कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। या तो हम लोग पाइथन प्रोग्राम से कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कोई डेटा राइट कर सकते हैं। ओके, या फिर हम किसी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उससे डेटा रीड कर सकते हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जिसमें कोई कोई डेटा है भी और उस फाइल में और डेटा हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, तो उस फाइल में हम लोग कैसे उसको फाइल को क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग कैसे डेटा पुट करेंगे। तो इसका सिंपल एक ऑपरेशन होता है ओपन, इस टाइप से होता है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, इट्स अ वेरिएबल नेम। ओके, और ओपन फाइल, ओपन, देखिए सबसे पहले हमें फाइल ओपन करना होगी, है ना। कोई भी फाइल हो, फाइल हमें चाहे हम लोग राइट करना चाहें डेटा या फिर फाइल से रीड करना चाहें, तो फाइल हमें ओपन करना होगी और ओपन करने के बाद हम लोगों को उसमें डेटा राइट करना होगा या फिर रीड करना होगा। तो ओपन कैसे करेंगे, देखिए ओपन यहाँ पर लिखेंगे, कौन सी फाइल ओपन करना है वो यहाँ पर आपको देना होगा। सपोज मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ अभी फिलहाल, तो टेस्ट फाइल 1.txt इस नाम से मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और उसमें कोई डेटा पुट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा, तो देखिए फाइल क्रिएट करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे हम लोग और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ हम बताएंगे पाइथन को कि ये वाली फाइल हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर मोड होते हैं, मोड क्या, अगर आप देंगे, आप अगर आर देंगे देन इट मीन्स यू आर ओपनिंग फाइल इन द रीड मोड, मीन्स कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उसको रीड करना चाहते हैं, जो कि हमारे केस में ऐसा नहीं है। हम तो एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें डेटा राइट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारा डब्ल्यू देना होगा, नहीं डब्ल्यू तो नहीं देना होगा, ओपन ए एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अ राइट प्रोग्राम इफ कंटेन डेटा इट विल ओवर राइट। अच्छा ओके, इसको हम लोग डब्ल्यू दे सकते हैं ना राइट मोड के लिए। देखिए अगर आप कोई ऐसी फाइल जिस फाइल से, जैसे अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू देता हूँ, यहाँ पर डब्ल्यू देता हूँ, तो ये होगा क्या, देखिए ये फाइल अगर क्रिएट नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारे डायरेक्टरी में, सेम डायरेक्टरी में जिस डायरेक्टरी में हम लोग पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई किसी और डायरेक्टरी में करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें उसका पूरा पाथ देना होगा, लेकिन हम सेम डायरेक्टरी में करना चाहते हैं तो ये देखेगा कि इस नेम की कोई फाइल इस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर नहीं कर रही है तो क्रिएट कर देगा। ओके, और अगर कर रही है देन, सॉरी, अगर कर रही है तो उस फाइल को से पूरा का पूरा जो डेटा उसमें ऑलरेडी होगा उससे सारा डेटा इरेज कर देगा और एक फ्रेश फाइल की तरह बना देगा। ओके, तो ये फाइल क्या करने वाली है, इस फाइल को, ये लाइन इस फाइल को क्रिएट करने वाली है क्योंकि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, तो इससे हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब दूसरी बात आती है कि हमें फाइल में डेटा पुट करना है। ओके, फाइल में डेटा पुट करना है तो पुट कर, देखिए ये मोड है, मोड मीन्स आर होता है डब्ल्यू होता है, इसको हम लोग देखेंगे वन बाई वन कि किस लिए ए होता है आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस, ये सारे मोड होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको, ये कौन कौन से मोड मोड होते हैं। डब्ल्यू मैंने आपको बता दिया राइट मोड के लिए है, आर रीड मोड के लिए है, ए अपेंड मोड के लिए है, मीन्स कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें कुछ हम लोग और डेटा ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो ये इन
इन तीन मोड को तो मैंने आपको बता दिया इसलिए होते हैं। अब हम लोग इस फाइल में हम कोई डेटा रीड करना चाहते हैं, तो इसको फाइल को सॉरी इस फाइल में हम डेटा राइट करना चाहते हैं, तो इस फाइल को हमने क्रिएट कर लिया राइट मोड में। ओके, अब बात आती है हम इसमें डेटा कैसे पुट करेंगे। ओके, तो देखिए सिंपल, डेटा कैसे पुट करेंगे, एफ राइट फंक्शन लिखेंगे, एफ राइट फंक्शन लिखेंगे। एफ क्या है, ऑब्जेक्ट, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एफ लिया है, आप एक्स ले सकते हैं, आप फाइल वन ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स अ ओनली वेरिएबल, नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ पर फाइल डॉट राइट राइट, ओके, अब यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ओके, मैं यहाँ पर दूसरी फाइल बना देता हूँ, लाइन टू, ये लाइन वन, ठीक है, लाइन वन और लाइन टू, ये मैंने बना दिया। तो एक फाइल, अब जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूँगा, क्लियर करता हूँ, पाइथन पाइथन फाइल 32.py, इस फाइल को रन करूँगा तो ये एक फाइल बना देगा और उसमें ये कंटेंट ऑलरेडी पुट कर देगा। यहाँ पर देखिए बना दी होगी, ये देखिए इसने बना दिया ना यहाँ पर, ये मुझे न्यू लाइन अगर मैं देना चाहता हूँ, सपोज देखिए मैं यहाँ पर अगर न्यू लाइन देना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर न्यू लाइन देना होगा, यहाँ दे सकता हूँ या फिर मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, तो यहाँ पर अभी इसने बना दी होगी, ये देखिए इसने फाइल बना दी। तो यहाँ मैं कितनी भी राइट कर सकता हूँ, सपोज मैं इस फाइल में यहाँ पर ये देखिए इस फाइल में वन टू थाउजेंड नंबर पुट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, रेंज वन टू 1000, ओके, एंड मैं क्या करने वाला हूँ, इस फाइल को सबसे पहले ओपन करूँगा। तो देखिए अब राइट मोड में है, इट मीन्स अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिएट कर देगा, अगर एग्जिस्ट कर रही तो उसका सारा डेटा इरेज कर देगा। अब देखिए इस फाइल का सारा डेटा इरेज हो जाएगा और न्यू डेटा जो भी मैं पुट करूँगा इसमें वो हो जाएगा, विच इज़ मैं क्या पुट करने वाला हूँ, एफ डॉट राइट, मीन्स एफ डॉट राइट। ओके, और क्या करने वाला हूँ मैं इसमें एफ डॉट राइट में, आई, ओके, आई प्लस, और ये लगा दूंगा मैं इसमें, है ना, ये लगा दूंगा, तो ये जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूँगा ये डेटा रन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ कुछ लगा दिया क्योंकि आई इंटीजर है, मैं ऐसे नहीं कर सकता ना, आई इंटीजर को मैं ऐसे नहीं कर सकता, या तो मुझे एफ लगाना होगा यहाँ पर, या फिर मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, इसको मैं एसटीआर में चेंज कर लूँ, समवेयर ऐसे करना होगा, फॉर्मेट करना होगा, मतलब है ना, इंटीजर में मैं स्ट्रिंग नहीं ऐड कर सकता, ये मेरा कर दिया होगा इसने, ये देखिए सारा कुछ बना दिया इसने, है ना, सारी फाइल मुझे मुझे बनाकर दे दी। ओके ओके, अब मैं इसमें अगेन कुछ और करना चाहता हूँ, मान लिया लाइन लाइन वन, ओके, तो ये अगर फिर से चलाऊंगा तो फिर से कर देगा, ये देखिए यहाँ पर कर दिया ना। अच्छा मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर कमेंट कर दिया। अच्छा अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही, मैं उसमें कोई डेटा अपेंड करना चाहता हूँ, मीन्स मजीद ऐड करना चाहता हूँ, जैसे इसके बाद मैं कोई और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं या तो ए मोड में ओपन करूँगा, ए मोड में ओपन करूँगा, देखिए ए मोड क्या होता है, यहाँ पर आप आएँ और देख लें, एक्सट्रीम अपेंड ऑपरेशन में कर देगा, वोंट ओवरराइड एग्जिस्टिंग डेटा, अपेंड कर देगा आगे, मतलब जितना भी डेटा है ऑलरेडी उससे आगे राइड करना शुरू कर देगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, ए प्लस कर सकते हैं, ए प्लस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ए प्लस में भी वही करेगा, ओवरराइड नहीं करेगा बल्कि अपेंड करना शुरू कर देगा, तो ए कर दें या ए प्लस कर दें, अच्छा तो ए कर देते हैं, एक ही बात है, ए प्लस में क्या फ़र्क है, ए में क्या करेगा, एक्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेगा और उसमें मतलब आगे अपेंड करना शुरू कर देगा। ओके, और ए प्लस में क्या है कि फाइल में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, ए प्लस वाले केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल को क्रिएट भी कर देगा और उसमें डेटा राइट करना शुरू कर देगा, लेकिन ए केस में क्या है, फाइल शुड बी देयर, देन इट विल ओपन एंड इट विल अपेंड द डेटा। ओके,
तो हमारे केस में तो कर रही है, अगर हम ए प्लस बी कर देंगे तो सेम थिंग है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ से, मैं इसको करना चाहता हूँ, यहाँ से करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ 1001 से सपोज 1100, ओके 1 तक करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं 2 करना चाहता हूँ। तो देखिए अभी ये अपॉइंट कर देगा, है ना, इसको देखिएगा आप, यहाँ पर अपेंड कर दिया ना, इसके बाद ये देखिए लाइन टू लाइन टू। तो हमने अपेंड कर लिया कि अपेंड कैसे करता है। अब हम लोग किसी फाइल से डेटा रीड करने वाले हैं, तो इसी फाइल को देख लेते हैं हम लोग, इस फाइल से डेटा कैसे रीड करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फाइल से डेटा रीड करने वाले हैं। डेटा रीड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फाइल को ओपन करना होगा, है ना। फाइल को ओपन सेम तरीके से करेंगे, बट कैसे करेंगे हम लोग फाइल को ओपन, किस मोड में करेंगे, रीड मोड में। देखिए अगर राइट करना है तो राइट मोड में ओपन करेंगे, अपेंड करना है तो अपेंड मोड में करेंगे, अगर रीड करना है तो रीड मोड में ओपन करेंगे, ओके। रीड मोड में कैसे कर सकते हैं, आर से कर सकते हैं हम, आर देना होगा हमें और रीड मोड में हम लोग ओपन कर लेंगे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू प्लस भी दे सकते हैं। डब्ल्यू प्लस क्या करता है, या तो ये राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग आर प्लस भी कर सकते हैं। आर प्लस में क्या करेगा, ये आर प्लस में ये क्या करेगा आपका, रीड एंड राइट डेटा इन टू फाइल्स, ओके। रीड तो करेगा ही और राइट भी कर देगा साथ में, है ना, लेकिन आर में राइट नहीं करेगा, आर प्लस में राइट भी कर देगा। और अगर कोई डेटा है पहले से ही अगर राइट कर रहे हैं तो वो डेटा मतलब डिलीट नहीं होगा। तो ये मान के चलिए आप आर है रीड मोड के लिए और आर प्लस है रीड और राइट मोड के लिए, डब्ल्यू है ओनली राइट मोड के लिए, रीड करेगा और डेटा को इरेज कर देगा अगर कोई डेटा है, और डब्ल्यू प्लस है रीड राइट दोनों कर सकते हैं, बट जो है ये डब्ल्यू बट ओवरराइट ये भी कर देगा, है ना। और अपेंड मोड कहाँ है, अपेंड मोड ये है ना, तो अपेंड मोड में क्या करेगा, फाइल शुड बी देयर, फाइल होनी चाहिए पहले से, और उसके बाद फाइल को ओपन करेगा, उसमें अपेंड करना शुरू कर देगा। ए प्लस मोड क्या है, अगर फाइल नहीं भी है तब भी ये फाइल है तो ठीक है, उसमें अपेंड करना शुरू कर देगा, अगर फाइल नहीं है तो उस पहले क्रिएट करेगा फिर पुट करेगा। तो ये मोड सारे होते हैं, तो आप ये मान के चले 3 मोड्स हैं और उसके फिर प्लस प्लस है ना, आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस। तो अभी हमने आर डब्ल्यू करके देख लिया, अपेंड मोड करके देख लिया, हम लोग फाइल में रीड तो कर दिया, अब हम लोग फाइल से सॉरी फाइल में हमने राइट तो कर दिया, अब हम लोग फाइल से रीड करने वाले हैं। तो फाइल से रीड करेंगे तो फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, बीच जो कि हमने कर लिया है यहाँ पर, ये देखिए हमने यहाँ पर रीड मोड में ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस फाइल से डेटा रीड करना है, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन से रीड करने के लिए एफ रीड कर देंगे तो ये क्या करेगा, सारा डेटा रीड कर देगा, कर दिया ना एक ही बार में। अब इसके बाद बहुत सारे इसमें ऑप्शन भी होते हैं, अगर आप कुछ डेटा रीड करना चाहते हैं कुछ डेटा, तो आप लोग यहाँ पर ये इस टाइप से दे भी सकते हैं, माना सपोज आप 10 करेक्टर्स ही रीड करना चाहते हैं तो आप 10 करेक्टर्स दे सकते हैं, अगर 20 करेक्टर रीड करना चाहते हैं तो 20 करेक्टर दे सकते हैं, आप अगर जो है 25 करेक्टर रीड करना चाहते हैं 25 करेक्टर दे सकते हैं, तो 25 करेक्टर्स रीड हो जाएंगे। तो फुल फाइल भी हम लोग रीड कर सकते हैं और करेक्टर्स भी हम लोग रीड कर सकते हैं और लाइन्स बाई लाइन्स भी हम लोग रीड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये दे दूँ यहाँ पर और यहाँ पर, ओके ये लाइन्स बाई लाइन्स भी आ गया यहाँ पर, एफ रीड लाइन, ओके। तो ये लाइन आ गई, अगर मैं दोबारा लगा दूँ यहाँ पर इसी को तो ये लाइन लाइन बाई लाइन आ जाएगा, है ना। इसको तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन बाई लाइन भी रीड कर सकते हैं, ओके। तो लाइन बाई लाइन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन रीड होती जाएगी। तो इसमें हम लोग वाइल लूप लगा सकते हैं और जब तक फाइल के अंदर कंटेंट है तब तक हम लोग उसकी लाइन रीड कर सकते हैं और लाइन बाई लाइन डेटा को हम लोग रीड कर सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि फाइल हम लोग हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो इसमें अभी आप लोगों को करना क्या है, आपको खुद से फाइल्स बनानी है और फाइल्स
फाइल में डेटा रीड कर फाइल से डेटा रीड करना है, फाइल में डेटा राइट करना है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आपको ये फंक्शंस यूज करने हैं। अब देखिए फाइल को ओपन, अच्छा फाइल को जब भी हम ओपन करते हैं तो फाइल को हम क्लोज भी जरूर करते हैं। आइदर हम लोग राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं या फिर रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं। जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे, जब हमारा काम हो जाएगा तो हम लोग क्लोज कर देंगे। जब देखिए हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी सारी रिलीज कर देगा, जो भी इसने मेमोरी फाइल रीड और राइट करने के लिए ऑक्यूपाई की है इस वेरिएबल में, वो सारी रिलीज कर देगा और फाइल क्लोज हो जाएगी। उसमें अब हम लोग फर्दर कोई रीड और राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। ओके, अब ये हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है कि हम लोग इसका इसको इसको देखिए, एक सिंगल लाइन में भी हम लोग रीड राइट कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं ठीक है फाइल को, फिर सेकेंड लाइन में रीड करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ कमेंट करता हूँ और यहाँ पर सिंपल इसको ब्लॉक भी बना सकते हैं, ब्लॉक स्टेटमेंट। जैसे कि हम लोग विद का यूज करें, विद ओपन करें किसी फाइल को, सपोज इस फाइल को ओपन करना चाहता हूं मैं, इस फाइल को ओपन किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं विद रीड मोड एज एफ। तो हमने ये पूरा सिंटेक्स एक लाइन में बन दिया कर लिया है ना। अगर देखिए एफ अगर फाइल ओपन होती है तो इसमें आएगा, ये देखिए यहाँ पर इन फाइल, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है रीड मोड में तभी तो आएगा, ये कर लिया इसने। और फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसमें नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर कोई ऐसी फाइल देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये क्या होगा, ये देखिए एरर देगा है ना, ये बोलेगा कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ट्राई एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, ट्राई ओके, और हम लोग इसको पूरा यहाँ पर ऐसे करके एक्सेप्ट लगा सकते हैं ओके यहाँ पर, और एक्सेप्शन लगा सकते हैं एज एज ई ओके, प्रिंट ई लगा सकते हैं, इस स्टेप से हम लोग लगा सकते हैं। देखिए तो हम लोग ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई फाइल डिलीट कैसे करें। मान लिया कि को हमें कोई फाइल डिलीट करनी है तो हम उसको कैसे डिलीट करें। ओके, तो इसके लिए देखिए आपको सिंपल एक इंपोर्ट कराना होगा, इंपोर्ट कराना होगा ओएस, ओएस इंपोर्ट कराना होगा। अब सपोज मुझे सपोज यही फाइल डिलीट करनी है, टेस्ट फाइल ये समथिंग, तो ओएस एक मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट कराना होगा और मुझे जस्ट इसको यूज़ करना है ओएस रिमूव, और यहाँ पर जो भी फाइल मैं रिमूव करना चाहता हूँ फुल पाथ देना होगा अगर सेम डायरेक्टरी में नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ से देखिए रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये फाइल एग्जिस्ट कर नहीं रही है क्योंकि फाइल तो हमारी ये कर रही है ना, ये वाली, तो ये रिमूव हो जाएगी, ये देखिए रिमूव हो गई ना यहाँ से। तो हम लोगों ने इस वीडियो में ये देख लिया कि कोई फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा कैसे पुट कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उससे कैसे डेटा रीड कर सकते हैं, और किसी फाइल को हम लोग पाइथन में ओएस मॉड्यूल का यूज़ करके कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल फाइल हैंडलिंग के बारे में। आप खुद से इसकी ट्राई कीजिए, खुद से आप जो है रीड राइट मोड में फाइल ओपन करें, उसमें डेटा पुट करें और डेटा को रीड करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।